वाह, तो आग आज मैं काले से गोरा हो रहा हूँ और घर पे ही हैं मुझे काले से गोरे करने वाले और मसाज हो रहा है। एक्चुअली मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ, तो यार धूप छाँव बारिश होते होते धूल मिट्टी से आदमी हो ही जाता है ऐसा। चुप रहिए आप बदतमीज, मार मार के भूत बनाऊंगा तब पता चलेगा। हाँ हाँ, कितना अच्छा लग रहा है और फेस का होना भी चाहिए, लेकिन ज़्यादा एक चीज़ मैं बता दूँ, ज़्यादा फेस को स्किन को कभी रगड़ना नहीं चाहिए इतना, क्योंकि जो रोज़ होते हैं ना कि छिलने वाले लोग, ऐसा आपको नहीं मालूम? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ब्यूटी पार्लर में ऐसे ही होता है। नहीं नहीं, ब्यूटी पार्लर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बहन जी, आप बुरा मत मानिएगा, मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो घर पे कहते हैं ना गोरा चमड़ी करने के लिए, चमका करने के लिए, कभी नींबू कभी ये वो मिर्च नमक हल्दी सब्जी है सभी लगा लेते हैं आजकल और वो लोग बुरा मत मानेगा जो अक्सर यूज करते हैं, लेकिन ऐसा ना करें कि ज़्यादा अगर चमड़ी रगड़ा जाएगा फेस का स्किन अगर ज़्यादा घिसेंगे ऑब्वियसली यार वो हार्ड हो जाता है, फिर अगर 15-20 साल वाला भी कोई इंसान हो ना तो ऐसा लगने लग गया बुढ़ा लगने लगता है। हाँ, ऐसा जो स्किन का जो मसाज है कभी कभार बढ़िया है और स्किन साफ रहता है, धूल मिट्टी से ज़्यादा निकल जाता है, तो करना ही चाहिए इंसान को। लेकिन आज मैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काले से गोरा हो जाऊँगा। मैंने बहुत नौकर रख रखे हैं घर पे, जिसमें से एक नौकर ये है जो आज मेरी मसाज करने के बाद मैं अपने शक्ल को पहचान पाता हूँ पाऊंगा? क्यों नहीं पहचाने, बदल थोड़ा जाएगा, बदल तो नहीं जाऊंगा कहीं। नहीं मेरे कहने मतलब इतना गोरा लगूंगा या कैसा लगूंगा? पहले जैसा फेस लगा तो वैसा नहीं लगेगा। जा हट तो, हट यस। अब फैक्ट तो आया, फर्क आया, पहले क्या था कि फेस काला हो गया। एक्चुअली धूप छाँव में यार देखिए, धूप में कभी बारिश, आप सड़कों में चलना गाड़ी लेके, तो मिट्टी धूल सब आ ही जाता है फेस में स्किन में, तो कभी कभार करा लेना चाहिए क्योंकि जो स्किन पे डस्ट लग जाता है वो साफ होता है। और रियली अभी मैं फेशियल कराने के बाद पूरा फेस गोरा गोरा लग रहा हूँ और पहले बिल्कुल काला सा हो गया था। और थैंक यू सो मच मेरे घर वालों को जिन्होंने मेरा मसाज कराया किया और कराते रहे, हर कोई कराते रहे यार मसाज, लेकिन ये कि यार ज़्यादा ही कुछ चमड़ी चमकाने के चक्कर में ये वो वाला ना फलाना दुनिया भर का ऐसे मत लगाएं क्योंकि स्किन जल जाता है।